32 जो लोग थे वो इस गांव के मारे गए थे, और उसके बाद जितने भी, क्योंकि प्योर सिख इस गांव में रहा करते थे, उसके बाद ये गांव छोड़ के सिख यहाँ से चले गए 11:58 हो गए, यानी कि रात के करीबन 12 बज चुके हैं। और यहाँ पे लोगों की एक ये कहते हैं कि यहाँ पे रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। मैं वो जो ट्रॉली में भर के ले गए मड़वा, उसमें कुछ चांदी के सिक्के निकले थे। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको पुनर्जन्म की घटना और मरकर जिंदा होने की घटना दिखाते रहते हैं, और आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने वाले हैं जिससे आपका भ्रम ही नहीं, आपका वहम भी निकलेगा। और अभी मैं मौजूद हूँ हरियाणा के रेवाड़ी में, और रेवाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो रेवाड़ी का गाँव है होद छिल्लर। सबसे पहले जो है, अपनी स्क्रीन पे आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो क्या कुछ है। तो ये जो अभी मैं मौजूद हूँ, होद छिल्लर गांव है, और होद छिल्लर गांव में करीबन 1984 के जो दंगे हुए उससे कोई भी अनजान नहीं है, सबको पता 1984 में जो दंगे हुए क्या कुछ हो उसके बारे में। तो ये एक गाँव था होद छिल्लर रेवाड़ी में, जिसमें करीबन 32 जो लोग थे वो इस गांव के मारे गए थे, और उसके बाद जितने भी, क्योंकि प्योर सिख इस गांव में रहा करते थे, उसके बाद ये गांव छोड़ के सिख यहां से चले गए। और करीबन रात के, अगर मैं आपको टाइम भी दिखाना चाहूं तो एट प्रेजेंट अभी टाइम 11:57 हुए। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अच्छी तरह दिखाए टाइम भी, 11:58 हो गया अभी, तो 11:58 हो गए, यानी कि रात के करीबन 12 बज चुके हैं। और यहाँ पे लोगों की एक ये कहते हैं कि यहाँ पे रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। अब ये पाखंडवाद है या फिर क्या है, लोगों के बारे में क्या भ्रम है, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो पूरा गांव आपको दिखाएंगे, जो मंजिलें हैं एक बार मैं दिखाना चाहूँगी। देखो इस साइड में जो पूरा वीरान है गाँव आज, यहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि रात को रोने की आवाज़ें आती हैं, या फिर रात को अलग अलग अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, वो डाउट भी आपका क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस गांव में एंट्री करें तो ये यहां से इस जगह की एंट्री होती है, तो एंट्री करते ही बड़े बड़ा घास जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जो कि एक वीरान जगह पे मिलता है, क्योंकि यहां पे साफ़ सफाई नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं रहता है, बिल्कुल वीरान जगह है। जब हमने इस गाँव में एंट्री की, एंट्री करते ही एक बोर्ड यहाँ पर हमें लगा मिला, वो बोर्ड भी सबसे पहले आपको दिखाएँगे। और उसके बाद जो गांव के घर हैं, जो अभी पहले तो घर हुआ करते थे लेकिन अभी खंडर हो चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बोर्ड है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, इस बोर्ड पे पंजाबी भाषा में कुछ लिखा है, ये देखिए। पंजाबी हमें तो कोई आती नहीं है, जो भी अपना व्यूअर हो, कोई सब्सक्राइबर हो, कोई भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको पढ़ सकता है कि पंजाबी भाषा में क्या लिखा है। तो ये एक यहाँ पे बोर्ड लगाया, कुछ नंबर वगैरह भी यहाँ पे लिखे हैं, जो भी कुछ है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको पढ़ सकते हो। और इसी बोर्ड के अगर हम दूसरी तरफ देखें, इस साइड तो पंजाबी भाषा थी और दूसरी साइड इसमें इंग्लिश भाषा लिखी हुई है, तो वो भी आपको दिखाना चाहेंगे, जो इंग्लिश भाषा लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें तो थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले जो लोगो होता है सिखों का, ये लोगो यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है दिस साइट बिलोंग टू, आगे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा है विलेज होद छिल्लर, और यहाँ लिखा है 2 नवंबर 1984। बाकी बोर्ड काफ़ी जंग खा चुका है बोर्ड को, तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा इस साइड आगे एक बार और कर दे। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहले गांव में जब हम एंट्री करते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। चलिए, और अभी हम आपको इस गांव में जो मकान है, क्योंकि आज ये गांव पूरा वीरान है, और लोगों की एक धारणा है कि यहाँ पे
तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, डरावनी आवाज़ें आती हैं, वो डाउट आपका क्लियर करने के लिए और हम भी ये देखने के लिए और हमारी टीम यहाँ पे वो देखने के लिए पहुँची है कि आखिर ये आवाज़ें आती किस चीज़ की हैं, क्या मामला है। तो अगर यहाँ की अगर हम बात करें, ये वो मकान है जो कि आज बिल्कुल वीरान पड़े हैं, और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो करीबन 12:03 अभी हो चुके हैं, रात के 12:03। जो लाइट की व्यवस्था आप देख रहे हो ये हमारी खुद की है। अगर मैं एक बार लाइट बंद करने की कहूँ तो आप देखोगे बिल्कुल यहाँ सुनसान अंधेरा। एक बार लाइट को एक बार बंद कर देना, ये देखिए यहाँ पे लाइट जब हमने बंद की तो पूरा वीरान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो एक बार लाइट ऑन कर दोगे। तो अभी कुछ किसान साथी हैं यहाँ पे जो अपना खेत में पानी वानी दे रहे थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो देख के यहाँ पे भैया पहले तो यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आज कैसे क्या कुछ होगा, लाइट देख के वो भी हमारे पास में आएगी भैया ऐसा क्या कुछ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अंदर चलेंगे और क्या है वो दिखाएंगे आपको। अच्छा भाई साहब आपसे बातचीत करें तो ये जो गाँव है इसके बारे में क्या कुछ रहस्य है, उसके बारे में एक बार जरूर बताइए क्या कुछ है रहस्य। जी गाँव तो ठीक है, ये हवेली जो इधर है ये वीरान पड़ी है कई सालों से, 84 में दंगे हुए थे। अच्छा। उसमें जो मारकाट हुई थी उसके बाद वो जो यहाँ रह रहे थे लोग वो चले गए छोड़ के यहाँ से, और उसके बाद में ये खंडर ही हो गए। अच्छा अंदर अगर आपको तो पता होगा सारा क्या कुछ, अंदर अगर देखना चाहे तो चलिए हमारे साथ, आप भी चल पड़े। तो अंदर जो है हम चलेंगे और जो भाई है यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं ये यहाँ पे खेत में पानी वानी दे रहे थे, तो अंदर चलते हैं और पूरा आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ है। देखना थोड़ा सा भाई, हाँ काटते हैं आराम से आराम से। तो ये देखिए पूरा जो गेट है वो आपको दिख रहा होगा, और जो पुराने ज़माने में यानी कि 1984 में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, राजे महाराजे हुआ करते थे, देखिए दीवारें जो है कितनी चौड़ी चौड़ी यहाँ पे, और जो डिज़ाइनिंग हुआ करती थी पहले ऐसी हुआ करती थी जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। गेट वगैरह तो सारा कुछ बंजर है। तो चलिए अंदर भी चलते हैं और वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या कुछ है। अच्छा अंदर जो है कूड़ा कचरा जो वो बिल्कुल ज़्यादा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये मकान हुआ करते थे पहले 1984 में जब दंगे हुए तो सिखों के ये मकान हुआ करते थे, उसके बाद ये गांव वीरान हो गया और आज यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए आराम आराम से आ जाओ आराम आराम से। ये देखिए खाली जो है एक कमरा इस साइड में भी है, यहाँ क्या कुछ था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँ। जो अलमीरा जो होती थी वो अलमीरा भी एक बार मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आपको दिख रही होगी। तो चलिए वापसी चलें या फिर आगे निकल जाएंगे, चलो आगे आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। चलो और इस मकान की अगर मैं छत दिखाना चाहूँ, यहाँ की छतें जो बिल्कुल टूट चुके हैं, एक बार ऊपर करके थोड़ा सा दिखाओ आप क्या कुछ है। ये देखिए छत बिल्कुल भी नहीं है, सारा कुछ खंडर है ये। चले ना 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 देख के आएंगे बिल्कुल। तो चलिए तो फाइनली एक तो मकान ये पीछे था, और भी काफी सारे मकान हैं, और आगे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पूरी जगह वीरान है। अगर दूर से आप देखोगे ना यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, अकेला आदमी अगर यहाँ पे आता है तो उसको यकीनन डर लगता है। और एक उस साइड भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चलिए उस साइड भी चलते हैं। तो अगर यहाँ की हम बात करें तो एक हेडपम्प यहाँ पे लगा है, ये देखिए अनु थोड़ा सा गाजत। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से हेडपम्प तो उस टाइम का नहीं है, पानी यहाँ पे ताज़ा है। और ये भी बिल्कुल जाम है। चलें अगर अंदर यहाँ पे हम चलें, एक कमरा इस साइड भी यहाँ पे दिखता है कि उसमें क्या कुछ है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए एक कमरा इस साइड भी है जो बिल्कुल बंजर है। चले
अच्छा, तो होदछिल्लर गांव में एक मकान ये भी है और ये पता नहीं क्या बना रखा है, कैसा क्या कुछ है, इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ये क्या चीज़ है और पहले किस काम इस चीज़ को लिया करते थे, या फिर कोई समाधि वगैरह, हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है भाई। अगर किसी साथी को, किसी व्यूअर को ये पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि ये चीज़ क्या है, मकान में पहले क्या बनाया जाता था। तो अगर इस मकान की मैं आपको हालत दिखाऊं तो ऊपर से भी ये भी ऐसा ही हालत है इसकी भी, और एक पोस्टर यहाँ पे लगा है, ये तेंदुलकर जी का है, कोई टूरिस्ट पैलेस के तौर पे कुछ स्कूल के बच्चों को घुमाने के लिए लेके आएंगे तो उन्होंने लगा दिया होगा। चले, और इस साइड भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, ये ऊपर के हालात दिखाओ एक बार, ये इन घरों के हालात हैं, जो दरार हैं, काफ़ी मोटी मोटी दीवार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सारा बिल्कुल एरिया, पूरा एरिया यहाँ पे डरावना है। ये देखिए, ये चीज़ें आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या है क्या नहीं है आपके सामने है, हालात क्या है। चले, और कुछ दिन पहले ये भी बताया जा रहा है कि जब इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो लोग ये भी बताते हैं कि 2-3 साल पहले सिख यहाँ पे आए थे और कुछ अपना जो गुरुद्वारा वगैरह है वो छोटा सा यहाँ पे स्थापित करके गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे क्या कुछ है, जो उनके लोग मारे गए थे उनकी याद में वो यहाँ पे एक स्मारक बना के गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चले, तो ये यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, आज से कुछ साल पहले गुरुद्वारा लगा लो या फिर कोई भी आप लगा सकते हो इसको, क्योंकि जो 32 लोग मारे गए थे, लोग ये बोलते कि यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं या क्या कुछ है, लेकिन उनकी याददाश्त में जो सिख थे वो इस स्मारक को यहाँ पे बना के गए थे, ये भी आपको अंदर जाके पूरा दिखाएंगे। उससे पहले अगर मैं आपको एक बार फिर टाइम दिखाना चाहूँ तो एक बार अंकित भाई टाइम दिखाना क्या कुछ है, 12:12 हो गए, ये देखिए रात के 12:12 है भाई, एक बार आपका फ़ोन भी दिखा दे, यहाँ पे यहीं के हैं भाई, क्या टाइम हो गया, 12:12 इस भाई के फ़ोन में भी है, ये देख लीजिए दिख रहा होगा आपको, दिखा नहीं दिख रहा, चलो तो 12:12 अभी हम मौजूद हैं, और जो स्मारक है सबसे, जो यहाँ के भाई हैं लोकल भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ है। तो अगर ये स्थल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ क्या है क्या नहीं, इसके बारे में भी ये देख लीजिए, बाहर से ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील हम भी नहीं करते भाई इतनी रात को हम अंदर जाएँ, क्योंकि गैर टाइम हो चुका है। तो आप यहाँ यहीं से जो है वो आप देख सकते हो, जो सिख हैं वो यहाँ पे 2-3 साल पहले आए थे और इस स्मारक को बना के गए थे। थोड़ा सा आगे आके दिखा दे भाई, इसके अंदर भी अगर मैं दिखाना चाहूँ, भाई अंदर जा सकते हैं क्या, हैं जूते उतार के, चलो फिर चलें, जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो तो फिर, क्योंकि ऊपर से वो भी देख लेंगे ना क्या कुछ है क्या नहीं है, हैं उसके तो ताला बंद होगा, खुला है वो, चलो अंदर तो नहीं जाएंगे भाई। तो ये आप देख सकते हो कि उनकी याददाश्त में क्या कुछ बनाया, वो आप आइडिया लगा लीजिए। तो यहाँ के जो भाई हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके बारे में, इनके बारे में इनकी क्या कुछ राय है। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। ये अच्छा, ये जो गाँव है ये बताया जा रहा है कि 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें पूरा गांव उजड़ चुका था, और आज एक धारणा लोगों में है कि भाई यहां से रोने की आवाज़ें आती हैं। हमें करीबन 11:56 के आसपास हम यहां पे आए थे, करीबन 15-20 मिनट हो गए, तो ऐसा तो हमें तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि भाई यहां पे प्रेत आत्माएं हैं या क्या कुछ है, तो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं प्लीज़। भाई यहाँ पे अपने खेत लगते हैं, हम पानी पा देते हैं, रात में आते हैं 12 बजे, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, हमें तो ऐसा कुछ, हम इतना पानी देते रहते हैं 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं लगभग, दिन में भी रात में भी, तो हमारा काम ही यहीं पे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो यहाँ पे कोई आवाज आती है, सुना नहीं देखा नहीं, तो ये सब अफवाहें। पूरा मामला क्या था जब शुरुआत से अगर हम पूछे तो बुजुर्गों से क्या सुनते हो आप?
बुजुर्ग से सुनते हैं वो तो वही कहानी है कि 84 में जो दंगे भड़के थे उसमें जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनका आपस में यहाँ आके उन्होंने उनको मारा काटा या भगा दिया यहाँ से, वो चले गए छोड़ के, वो जाने के बाद यहाँ वीरान हो गए। उससे पहले तो मकान भी थे यहाँ पे थोड़े पूरे थे वो बताते हैं, और अब यहाँ पे खंडर ही है जो आपके सामने है। और जो भूत प्रेत की जो घटनाएं बता रहे हो या कोई आवाज़ आती है तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने तो कई साल हो गए इधर रात में भी देखते हैं। हाँ कोई जंगली कोई जानवर की कोई आवाज आती है तो अलग बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। भूत प्रेत वाली तो कोई जंगली जानवर ने अपना रैन बसेरा बना लिया कोई यहाँ पे, वो तो कोई आ जाता है, वैसे भी आ जाते हैं कोई पहाड़ वाड़ों में से आ गया मान ले, ये लोमड़ी वगैरह ये जो गिद्दड़ वगैरह होते हैं उनकी आवाज, नहीं तो ऐसा वो भूत प्रेत वाला सिस्टम नहीं है इधर। अच्छा ये भी बता रहे हैं कि कुछ साल पहले जो इसको तोड़ फोड़ दिया जो ग्रामीण थे जो इसके आसपास गांव के थे कि भाई कुछ खजाना यहाँ पे दबा है क्या कुछ उसके बारे में? वो एक बार यहाँ पे कुछ रोड राड बने तो खुदाई का काम चला था तो जेसीबी में वो जो ट्रॉली में भर के ले गए मड़बा उसमें कुछ चांदी के सिक्के निकले थे। अच्छा तो वो एक दो मिले थे, खैर हमने तो देखे नहीं लेकिन वो बताते हैं भाई वो सिक्के निकले थे वहाँ पे खजाना है खजाना, लेकिन वो एक दो सिक्के ही मिले थे उसका कुछ ज्यादा उसके बाद तो ये भी नहीं उसके बाद ये बोलते हैं कि आप बता रहे थे कि भाई गांव वाले ने कैसा क्या कुछ कर दिया नहीं फिर वो यहाँ पे आके तो देख ही रहे थे भाई जो इन खंडरों में और एक दो ईंट उखाड़ के या जो भी कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मिला नहीं। जी जी तो भाई साहब क्या कुछ लगा यहाँ पे हमारी टीम के सदस्य अंकित भाई और प्रॉपर रेवाड़ी से ही बिलोंग करते हैं तो इनसे भी हमने बातचीत की थी भाई रेवाड़ी में ऐसा गांव, इन्होंने बताया भी ऐसा गांव तो है लेकिन अभी वो वीरान है, तो कैसा क्या कुछ लगा यहाँ पे आने के बाद कि भाई लोगों के एक भ्रम है कि भाई भूतिया जगह है या क्या कुछ है, करीबन रात के 12:15 के आसपास हम मौजूद हैं यहाँ, क्या क्या लगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे तो लोगों का भ्रम है वो तो निकाला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ हमें अब दिखाई दे नहीं रहा है। अभी करीबन 20 मिनट के आसपास हो गए और टाइम भी अभी 12:17 हो गए हैं, 12:17 हो गए करीबन 20 मिनट के आसपास हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बारे में हमने जो है आपको दिखाया कि भाई क्या कुछ है, पूरी वीडियो विस्तार से इस गांव के बारे में बताया और हंटेड पैलेस के नाम से ये स्थान जाना जाता है कि भाई भूतिया जगह है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक मेन उद्देश्य रहता है, मैं सच्चाई दिखाने में काबिज हूँ और मैं इंटरेस्ट रखता हूँ कि मैं सच्चाई दिखाऊँ। हम पहले पुनर्जन्म की जो सच्ची घटना होती है वो मैं आपको दिखाते रहता हूँ और जो लोग मर के जिंदा होते हैं वो घटना हम आपको दिखाते हैं। और एक साथी का कमेंट आया था कि भाई आप होद छिलर एक गाँव वहाँ जाके पता करो कि ऐसा है या नहीं है, तो मेरे बिहाफ पे मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसी भी घटनाएं कुछ भी नहीं है, न रोने की आवाज़ें हैं न कुछ है। हाँ अंधेरा ज़रूर है, वीरान ज़रूर है, अगर आप अकेले में आओगे तो आपको यकीनन यहाँ पे डर लगेगा और डर जब होता है तो लोग उसको भूत का भी नाम देते हैं, प्रेत का भी नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे आया होगा तो उसको किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी होगी, उसने ये बोल दिया कि भाई वहाँ से ऐसे ऐसे रोने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि लोमड़ी जो होती है वो रात को सियार होते हैं, लोमड़ी होते जो जंगली जानवर होते हैं वो रात को ऐसे ही आवाज़ें निकालते हैं, तो वो आवाज़ उन्होंने सुनी होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से अपनी राय ज़रूर दीजिए और भी अगर कोई आपके आसपास ऐसी कोई जगह है आपको लगता है कि भाई ये हमारे आसपास में ये भूतिया जगह है या फिर डरावनी जगह है या फिर कोई हंटेड पैलेस, आप कमेंट बॉक्स में उसका एड्रेस दे सकते हैं, हम उसकी भी पड़ताल करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, कैमरे के पीछे आज़ाद रेवाड़ी, धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।